अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे ये बाईं जानी बैठे हुए हैं राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। आज इतवार का दिन है, बरोज इतवार। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि टी शर्ट शी शर्ट पहन के आ गए हैं। खैरियत है भाई? आपने बुलाया, हम चले आए। इनको जी सदमा लगा हुआ है क्योंकि जो क्रिस गेल ने हरकत की है इंग्लैंड के साथ, जो 5 एक रोज़ा बैन अवी मैच, 1 अबैंडन हुआ, 4 मैच वो खेले, 135, फिर उन्होंने 50 किया, फिर उन्होंने 162 किया, फिर उन्होंने 1 अदद और 70 प्लस किया। जो पहली सेंचुरी थी उसमें उन्होंने 12 छक्के लगाए, दूसरी सेंचुरी में उनके 16 छक्के थे, 9 छक्के उन्होंने आखिरी इनिंग में लगाए, कुल मिला के कोई 39 छक्के 4 मैचेस में दिया। बुझने से पहले एक दफ़ा भड़कता ज़रूर है। नहीं, ये भड़क नहीं रहा, ये तो ज्वालामुखी बन गया। तड़पा दिया इंग्लैंड को इन्होंने। इंग्लैंड ने सारी सीरीज जीती हैं 2004 के बाद जी। लेकिन उसमें एक मसला ये होता था, उनके सारे प्लेयर्स जो T20 वाले, वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता था और वो बहुत नीचे टीम जा रही थी। लेकिन अगर इस दफ़ा देखा जाए, टेस्ट सीरीज़ हराया उन्होंने 2-1, वन डे सीरीज 2-2 बराबर, और गेल भी वापस आ गया, और पोलार्ड भी अगर वापस आ गया, नारायण भी आई, राशिद गेल फोर्स वापस आई, वो अकेले ही वापस आया और क्या अशर किया, और 113, खैर ये तो बॉलिंग साइड ने आउट किया 113 पे, 418 भी तो कराए अभी, लेकिन मार्क वुड 48 घंटे पहले उन्होंने किए 418, और खुद भी कराया 389, खुद आउट हो गए। अब जाके 113 हो गए। और जी बात चीज क्रिस गेल की, एक तो 103 टेस्ट मैचेस ही हैज प्लेड, 2 टेस्ट ट्रिपल 100s हैं, 7,500 इनके टेस्ट मैच रन्स हैं, 10,000 वो कर गए इन वनडे इंटरनेशनल्स, 1600 रन्स उनकी T20 क्रिकेट में हैं, 2 सेंचुरी उनकी इंटरनेशनल T20 में भी हैं, 24 वनडे इंटरनेशनल्स में हैं। तो मतलब यू जस्ट कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम क्रिस गेल, यूनिवर्सल बॉस। लेकिन कितने क्रिकेट खेली इन्होंने, दुनिया की तमाम फ्रेंचाइज, दुनिया में हर जगह हर ग्राउंड पर छक्के मारे जाके उन्होंने जी। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही इज द ओनली वन विद 20+ T20 100s 20+। ये तो वर्ल्ड कप जो हुआ था उस वक्त शायद 18 या 20 थी, उसके बाद कितनी की होंगी, हर जगह तो खेल रहे थे। बस भूटान में भी अगर T20 हुई, भूटान, योगेंडा, नाइजेरिया, ये वहाँ पे भी पहुँचेंगे। लेकिन अब कमाल देखें राशिद के, वनडे में भी इनकी 200 है और टेस्ट में 300 है, ग्रेट कंपेटिटर, एंटरटेनर। एक साल हमारे साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुबई में थे, सब ने T20 बता रहे, वसीम बदामी थे बल्कि वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर और T20, तो उसने रुकवाया उसको, हमने कहा 2 मेरी ट्रिपल सेंचुरी हैं टेस्ट में, 2 ट्रिपल सेंचुरी, तुम मेरे T20 का तो T20 का प्लेयर नहीं हो। और अच्छा राशिद, आप चलते हैं यार हैमिल्टन टेस्ट मैच, हमने आपने मैंने शुरू में कोई लिफ्ट नहीं करवाई जब वो 250 पे आउट हुए हैं। यस, बांग्लादेश और 100 किया तमीम ने, फिर तमीम ने दूसरी इनिंग में 70 किया, लेकिन वो जो 700 टांगा है न्यूजीलैंड के लिए, 715 बहुत होता है, 115 फॉर गॉड हेवन सेक, और जिसमें से टॉम लेथम का 163, आपके 161 आपके जीत रावल 100, 200 कर दिया केन विलियमसन ने, 50 ऑनरी निकल्स, ग्रैंड होम अगेन आके नीचे से 70 क्विक फायर। सो उसके बाद जिस तरह बांग्लादेश की, मतलब इट्स नॉट द कॉन्टेक्स्ट के वो एक इनिंग्स में मैच आ गए, फाइट बैक अच्छी थी, और सुमैया सरकार अमेजिंग 429 कर देना दूसरी इनिंग्स में, एंड दोनों ने थोड़ा सा और लेके जा सकते थे, क्योंकि जो पार्टनरशिप अगर देखें, ये 370 के ऊपर जाके इनकी विकेट गिरी है, 5वीं विकेट गिरी है, तो उसके बाद फौरन ही सारे आउट हो गए। 500 का ठक्का आराम से लगा सकते थे जिस तरह से ये खेल रहे थे, तो सारी टीमें वर्ल्ड कप से पहले अच्छा खेल रही हैं, क्या बात है। इंग्लैंड के अलावा देखना कोई, उन्होंने बिल्कुल बैठ गए यहाँ से एम्पायर के थुनी के पास विकेटों के ऊपर से बॉल की है, और इलीगल डिलीवरी भी नहीं हो सकती, वो बैठ के करे या लेट के करे, हाथ आपका ठीक होना चाहिए। और नया एक्सपीरियंस हमें नज़र आया और अच्छा लगा कि कोई है अपना दिमाग चला रहा है, लोग कप्तानी में, बैटिंग में, हर जगह चला रहे हैं, लेकिन एक बैट्समैन बॉलिंग में ऐसा कर दिया कि 150 की सारा तारीख में किसी ने नहीं किया, यह कमाल का, जो बैट के जो बॉल की है ना,
कमाल यार। और धोनी भाई अमेजिंग, धोनी भाई को हमने निकालना था कि वो खत्म हो गए। धोनी एक सिंबल बन गया जीत का, मैं ये समझता हूँ। बाकी लोग जो समझे, बहुत लोगों ने इंडिया में भी क्रिटिसाइज किया उनके रन रेट, वो जो स्ट्राइक रेट पे, वो जिस जैसी टीम होती है, जैसा माहौल होता है, जैसी सिचुएशन होती है, उस गियर में अपने आप को रखते हैं। अगर जो दूसरी टीम है एक गियर पहले गियर पे चल रही है तो उनको पांचवें, जो चालाक प्लेयर होते हैं ना हमारे प्लेयरों की तरह, वो पांचवें गियर पे गया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया। बहुत सारी मिसालें हैं, वो उसी तरह रखता है। और कूल काम, मतलब मैं आज आपको मध्यम रखना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जारी तो वो उसी गियर में रहते हैं। जिस तरह से इस मैच में ज़रूरत पड़ गई, चार विकटें गिर गई थी, और जो पार्टनरशिप लगाई जादेव के साथ मज़े से, एक दो जहाँ मर्जी हुई चौका मार दिया। और ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा फिंच के बारे में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वार्नर आएंगे और स्मिथ आएंगे, कप्तान कौन होगा, उन्होंने कहा मैं, अब दो रन से ज़्यादा टप नहीं रहे। बुमराह आता है अंदर तो आउट, कुमार आता है अंदर आउट, आज बाहर निकाली फिर कॉट बैंड हो गए। कप्तान कैसे बन सकते हैं जब आप 10 रन नहीं टपा रहे, ना T20 में, ना वनडे में, ना टेस्ट मैच में, और अब कैसे कप्तान बन सकते हैं? हाँ, हो सकता है एक आध मैच में अच्छी पिच मिल जाए, 200 कर दें, यू नो वन नो। एनीवेज राजनीति अब चलते हैं सर, एक और सियासत की बात भी हमने करनी थी, वो बाद में हम करती सियासत की बातें, ये बोल रहे हैं हम सियासत की बात करेंगे, हम करते ही सियासत की बातें। पाकिस्तान क्रिकेट की कोई सियासत थी, लेकिन छोड़ें, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान सुपर लीग, मुल्तान सुल्तान इज आउट, नहीं अभी नॉट आउट, अभी कोई आउट नहीं हुआ, कोई 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 जीत लें तो मुझे लगता है अपनी एक सिक्स सेंस है, मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर होती हुई नजर आ रही है, हालांकि 8 पॉइंट है। आपकी ये सिक्स सेंस जो है वो खिड़की वाली तो नहीं है? सिक्स सेंस नहीं, नहीं खिड़की वाली नहीं है, काली खिड़की पीछे, नहीं वो नहीं है, लेकिन लग रहा है अगर हमारी होप है सारी टीमें क्वालिफाई कर जाए, लेकिन एक आइडिया होता है कि यार ये टीम बाहर होती है, कराची को पहुंचाना चाह रहा हूं मैं, लाहौर को भी पहुंचाना चाह रहा हूं, और 10-10 पॉइंट के ऊपर क्वेटा ग्लेडिएटर एंड जलमी है। पीएसएल का जी फाइनल जो कराची में खेला जाएगा 17 मार्च 2, सुना लाहौर के मैच कराची शिफ्ट हो गए, हम हो या ना हो, नहीं हुए कोई शिफ्ट, हो गए। अच्छा, हम हो या ना हो, लेकिन लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर जलमी फाइनल देखना ना भूलिएगा जनाब। आगे सर ये बताएं कि लाहौर का मैच शिफ्ट हो गया? नहीं हो गया, मुझे लगता है एक आध मैच शायद, क्यों हुआ होगा कोई, अभी खबर देख लेंगे, लेकिन ख्वाब आया था। आपके जो ख्वाब है ना, मैं क्या मतलब बात में, लेकिन मैच जो हुआ है इस्लामाबाद का और जलमी का, लास्ट बॉल बहुत जबरदस्त मैच हुआ, क्या बैटिंग की है, 9 ओवर में 118 रन चाहिए थे, 13 ओवर हो चुके थे, 13वां ओवर करने आए फहीम अशरफ। आजकल टेप बॉल पे भी 27 रन नहीं बनते, टेप बॉल क्रिकेट में भी 27 रन बनाने से भी नहीं बनते, उन्होंने करवा दिए। 9 बॉल फुल टॉस, छक्का, अगली बॉल फिर छक्का, 7 रन 5 रन 6 रन 13 रन तो यही हो गए, 27 रन दे के फिर 8 ओवर में रह गए 91। यार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, 91 रह गए। तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस पर जा रहा हूँ कि 9 बॉल पे फ्री हिट नहीं होनी चाहिए, गेम चेंज हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं, एक वेस्ट हाइट की पहले कर चुके थे, वह बाद में की वेस्ट हाइट की, उस पर अगर छक्का लग जाता है तो 7 रन तो यही आ गए। अरे एक ओवर स्टेपिंग 9 बॉल हो जाती है, 7 रन उस पर आ गए, अगली हिट फ्री हिट है, क्यों ऑप्शन दे रहे हैं किसी को हम लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मार्क वुड के साथ जब पॉइंट पे छक्के लग रहे थे वो तो आपको परेशानी नहीं हो रही थी, वो जब यूं करते थे क्रिस गेल, क्रिस गेल कर सकता है ना, डाउसन नहीं कर सकता 27 रन एक ओवर में, पोलार्ड आउट हुआ है 11.3 ओवर में, जफर गौर ने उनको आउट कर दिया है 85/4/5, फिर चेज हो जाते हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। खिड़की नहीं, नहीं काली खिड़की, अपनी ऑब्जर्वेशन है अपनी। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं राशिद, मेरा ख्याल है कि उस दिन डॉसन से ज्यादा बेहतर डेरन सैमी खेला फॉर हिज 40। नहीं, डॉसन बेहतर खेला, लाहौर के अंदर कैसा लग रहा है? देखो उसमें भी एक बॉल पे जो आउट हुआ है, सैमी तो आउट हो गया था, 9 बॉल हो गई, बात समझ में, समझ रहे ना बात आप? हाँ, लाहौर क्या हो गया, लाहौर के अंदर कैसा लग रहा है आपको? लाहौर अच्छा लग रहा है, लेकिन डेविलियर्स नहीं होंगे कुछ मैचेस में, वहाँ पे अगर ये 2 मैच हार गए फारिग हो गए तो फारिग हैं, फिर इस्लामाबाद इन है, फिर अच्छा, कराची इन है, इस्लामाबाद इन नहीं हो रहा, कराची इन नहीं हो रहा, लाहौर के अंदर इन ही इन है। अच्छा,
भाजन तीन टीमें नहीं बाहर होंगी, दो टीमें बाहर होंगी। बताएं ये बैठे मेरे साथ, इनको अब जरा थोड़ी सी लिफ्ट कम कराएं, काफी बोल रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन बीटीवी यार ये दिखाएं कैमरा मैन, ये देखो राशिद लतीफ का ब्लेजर पाकिस्तान का, ये देखें ये सारे, ये हमने ये नॉटिंघम में चलो एक चौका मार के जिता दिया था, जहाँ से आपका करियर खत्म हुआ था। ये आउट हुआ था, पता नहीं वाट था, कुछ रन आउट हुआ था महमूद की थ्रो पे, यही सेम बस इतना ही कुछ था। अफगानिस्तान टीम के साथ बिल्कुल नीचे कर दिया अपने अफगानी कोच का। एनीवेज इनको छोड़ें, अभी इनको खुश होने दें, अपने माजी के धुंधले नकूश देख रहे हैं, धुंधले नकूश। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छे लड़के हमें नज़र आए हैं। हारिस रऊफ हमें बहुत अच्छा लगा इस PSL में, तगड़ा है वो लड़का। मोहम्मद मूसा अच्छा है, लेकिन एक हसनैन जी, हसनैन का मैं आपको बताऊं, आजकल बड़ी चमक गई हो रही है कि जी 150 प्लस कर दिया है। तो आमिर सुहेल पाकिस्तान के साबिक कप्तान, मेरे सर आंखों पे, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपेटिटर्स जब वो खेलते थे, उनका ख्याल है कि ही इज़ रेडी फॉर इंटरनेशनल एक्शन और डायरेक्टली लिया जाए। लेकिन शायद आमिर उनका टैलेंट, पोटेंशियल, एटीट्यूड और मैच्योरिटी देख रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि हमारे साथ ये रहे पाकिस्तान टेलीविजन की टीम के साथ, एक तो इनकी अभी फिजिकली ये इतने इवॉल्व नहीं हुए हुए और इतने फिजिकली फिट नहीं है, इनको बैक के मसाइल हो जाते हैं। पाकिस्तान 19 के लिए एशिया कप भी खेलने गए थे, कुडंट प्ले रेगुलरली, हमारे साथ भी सिर्फ 3 आउट किए पिछले सीजन में, मेड हिज डेब्यू। बट आई पर्सनली फील कि पोटेंशियल उनमें सारा है। एक्शन का थोड़ा सा अगर आप मसला देखें, इनवर्ड रोटेशन होती है शोल्डर की, जिसकी वजह से कमर पे स्ट्रेन आता है, और आई थिंक इट विल बी टू प्रीमैच्योर। और दूसरा, हम सब ये बातें कर लेते हैं कि हसनैन आ गया, हारिस रऊफ आ गया, वर्ल्ड कप खिला दो, फलाना कर दो, तो उनका क्या करना है जो पीछे बैठे हुए हैं, मोहम्मद आमिर, मीर हमजा, ये सारे जो लाइनें लगा के बैठे हुए हैं, और दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। जनाब राशिद, नहीं बिल्कुल, मैं भी होता था शायद यही सोचता कि इसको डाल देना चाहिए, लेकिन फिर हिस्ट्री एक प्लेयर की देखी जाती है। जैसे अंडर 16 में सबसे पहले मसरूर ने दिखाया, इकबाल इमाम ने पिक किया था, दिखाया था अंडर 16 में वेरी क्विक। फिर मैं हैदराबाद गया पॉडकास्टिंग के मैचेस से, वहाँ पे इकबाल ने मिलवाया और नेट पे बॉलिंग की। फिर इनके अब्बा मिले कि बच्चा जा रहा है NCA में जा रहा है, वो जहाज़ पर जाएगा। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, जहाज़ पर जाएगा कि पहली दफ़ा वो जहाज़ पर बैठ रहा था। इतना मज़ा आया सुन के उनके फादर की बात, लेकिन वो अनफिट हो गए उसके बाद, तेज़ बॉलर थे। फिर लास्ट ईयर हमने कराची की शहजादे टूर्नामेंट हुई, सारे बच्चे हमारे टूर्नामेंट में खेल चुके हैं, इब्तिसाम हो, राजपूत हो, उमर हो, वो जितने भी प्लेयर जो अभी आ रहे हैं सारे खेले हैं। सऊद शकील भी, लेकिन वो हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के। वो क्या रखा हुआ नदीम भाई ने, उसको फ्रेम करा के रखा हुआ सऊद शकील को, सऊद को फ्रेम किया हुआ, 4 डे का प्लेयर है ना। अच्छा, तो फिर T20 में रखा क्यों है, किसी और के पास ना चला जाए, हम ले रहे थे ना, हमारे वालों ने बोला कि रहने दें, तो मैंने आजम को बोला कि उठा लो, उठा लिया। कहाँ बात कर रहा था मैं, हाँ बात कर रहे थे हसनैन की, हसनैन की। फिर हुआ ये कि लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया, लेकिन कोई मैच नहीं खेल सके, जा भी नहीं सके थे इंजरी की वजह से। फिर उसके बाद PTV से खेले, 2 मैच खेले लास्ट ईयर, मैं ग्राउंड पर भी गया लेकिन वो खेल नहीं सके। बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, उनका पाँव पैरेलल नहीं गिरता, मैंने अगर इनवर्ट रोटेशन बात कर दी तो उनको पैरों पे आ, क्योंकि 98% जो लोग होते हैं ना वो उर्दू समझते हैं मेरी जुबान, वो डॉक्टरी जो लैंग्वेज है ना शायद ना समझ सके। पैरेलल पैर नहीं गिरेंगे तो शोल्डर अंदर रोटेट होगा ना यार, कॉमन सेंस से चलें आगे। नाराजगी जब आपका पाँव एक यहाँ गिरेगा और एक यहाँ पे, तो बैक पे फोर्स ज़्यादा लगेगी और आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम देखते हैं वकार यूनुस और शोएब अख्तर को, थोड़ा सा उनकी अलाइनमेंट बेहतर हुआ, गलत तो नहीं बोला सर, ठीक बोल रहे हैं। शोएब का मसला ये था कि इनवर्ट टो था, तो उससे उसकी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा वो बैक पर ले जाता था प्रेशर, अदरवाइज लेकिन तगड़े थे बहुत। लेकिन टैलेंट अगर देखा जाए अभी आजकल पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं। एक और फास्ट बॉलर अभी हमने देखा था, इनके पार्टनर ही था अंडर 19 का, मुस्तफ़ा, वो भी तेज़ था। इस रीजन में देखें, हैदराबाद हो जाए, नवाब शाह, सक्कर, लाड़काना, और उससे और नीचे चलते हैं सादकाबाद, फिर हम साउथ पंजाब आ जाते हैं, ये वो रीजन है जहाँ फास्ट बॉलर है। और अगर मैंने पिक करना हो राशिद लतीफ, दोनों में से मूसा या हसनैन, आई गो फॉर मूसा फर्स्ट। मैं मूसा को 4 डे क्रिकेट में जाऊँगा, 5 डे में से आगे से हम जाएंगे, सिर्फ T20 में डालना चाहिए इस दफ़ा हसनैन को। हसनैन 10 ओवर, शायद एक स्पेल के बाद जब दूसरा स्पेल या तीसरा आएगा ना, उस पर थोड़ा इशू आएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि T20 में जब भी नेक्स्ट हो कुदवा दें। चलें फिर, कहाँ चलें,
कोट बैन एक दिन का गैप लेंगे, उसके बाद दोबारा आते हैं। कल से पीएसएल अबू धाबी चली गई है, कोट बैन